हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। मैं कोमल सोनी, आपकी केमिस्ट्री टीचर। आज हम सॉल्यूशन चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, हाउ टू मेजर ऑस्मोटिक प्रेशर, मींस परासरण दाब को कैसे मापा जाता है। प्रीवियस क्लास में हमने ये देखा था कि परासरण और परासरण दाब क्या होता है। परासरण मीन्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि शुद्ध विलायक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन की ओर गमन करता है, तो उसको हम कहते हैं परासरण। और उसको रोकने वाला जो दाब लगाया जाता है उसे हम कहते हैं परासरण दाब। परासरण दाब को नापने के लिए वैसे तो कई विधियां हैं, लेकिन सबसे पॉपुलर विधि जो है वो है बर्कले हर्टले विधि। इसका उपकरण मैंने यहाँ पर बनाया है। इस उपकरण में क्या क्या है उसको हम देखते हैं। इस उपकरण में दो ट्यूब्स हैं, एक है ये वाली, एक ये वाली नली है और एक ये वाली नली है, यानी कि एक पतली नली के ऊपर एक और मोटी नली चढ़ाई गई है। एक बाहर एक नली है, उसी के अंदर एक और नली है। दो नलियां हैं, यानी एक अंदर वाली नली है और एक बाहर वाली नली है। जो अंदर वाली नली है वो है अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करती है, यानी कि इसमें यहाँ पर ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। अर्धपारगम्य झिल्ली जो होती है उसमें से विलायक के छोटे अणु तो पार हो सकते हैं, लेकिन विलेय के बड़े अणु पार नहीं हो सकते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली जो होती है वो जंतुओं में या पादपों में पाई जाती है प्राकृतिक रूप से, लेकिन इसको कृत्रिम रूप से बनाने के लिए हमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन CuSO4 प्लस उसमें मिलाना पड़ता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCn6। इन दोनों को मिलाने पर हमको मिलता है कॉपर फेरोसाइनाइड। कॉपर फेरोसाइनाइड जो होता है वो एक रासायनिक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। तो ये जो अंदर वाली नली है उस पर कॉपर फेरोसाइनाइड का लेप किया जाता है, जिसके कारण ये पोरस बन जाता है। ये जो नली है ये खुद पोरस है और इस पर अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में, रासायनिक अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में कॉपर फेरोसाइनाइड का लेप कर दिया जाता है। इसमें से छोटे विलायक के अणु पार हो सकते हैं, लेकिन विलेय के अणु पार नहीं हो सकते। तो दो तरह की नली है, एक है अर्धपारगम्य झिल्ली युक्त नली और एक है गन मेटल से बनी हुई। ये वाली जो नली है ये है गन मेटल से बनी हुई संकेंद्रित नली। संकेंद्रित का यहाँ पर मतलब है कि इसके बीच में ये स्पेस है जहाँ पर एक और नली हमने फिट करी हुई है। ये जो बीच वाली नली है जो अर्धपारगम्य झिल्ली युक्त है, इसमें एक सिरे पर ये जुड़ी हुई है केश नलिका। ये है केश नलिका और यहाँ पर ये जुड़ी हुई है कीप। ये कीप जो है ये टूटी युक्त है, यानी कि इसको हम खोल करके विलायक इसमें भर सकते हैं। ये है कीप। ये जो गन मेटल युक्त संकेंद्रित नली है यहाँ पर इसके साथ जोड़ा गया है पिस्टन को। पिस्टन यहाँ पर दाब लगाने का कार्य करेगा, यहाँ पर निश्चित दाब लगाएगा। और यहाँ पर हम एक दाब मापी है जिसके द्वारा हम पिस्टन से लगाए गए दाब को माप सकेंगे। एक बार फिर से मैं इस उपकरण को बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या है। इसमें है दो नली, एक अंदर वाली नली है जो कि कॉपर फेरोसाइनाइड युक्त रासायनिक अर्धपारगम्य झिल्ली युक्त नली है, और जो बाहर वाली नली है यह गन मेटल युक्त संकेंद्रित नली है। और जो अंदर वाली नली है एक तरफ जुड़ी हुई है केश नलिका से और दूसरी तरफ जुड़ी हुई है कीप युक्त नली से। जो बाहर वाली नली है वो जुड़ी हुई है पिस्टन और दाब मापी से। यहाँ पर जो अंदर वाली नली है इसमें भरा हुआ है विलायक, शुद्ध विलायक भरा हुआ है, और इसको भरा जाएगा इस कीप की सहायता से। यहाँ से इसको भरा जाएगा, यहाँ पर है शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक को मैंने प्रीवियस क्लासेस में ए से दर्शाया था, तो ये हो जाएगा ए। यहाँ पर भरा हुआ है विलयन। ये पूरी एक तरह से गोल नली है, इसके अंदर एक और नली फिट की हुई है, यानी कि इस पूरी नली में भरा हुआ है विलयन।
तो यहाँ पर भरा हुआ है विलयन, मतलब ए प्लस बी, जिसमें विलायक प्लस विलय उपस्थित है। यहाँ पे भी यही चीज हो जाएगी, विलयन जिसमें है ए प्लस बी, ये पूरा इसी तरह से भरा हुआ है विलयन के द्वारा और ये पूरा भरा हुआ है विलायक के द्वारा। यहाँ पर एक पॉइंट आता है, ये वाला पॉइंट, जब शुद्ध विलायक हम यहाँ पर भरते हैं तो केश नलिका में कुछ द्रव यहाँ पर चढ़ जाता है ऊपर की तरफ, तो हम इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं कि ये वाला पॉइंट क्या है। अब इसमें परासरण की क्रिया प्रारंभ होने लगती है और विलायक जो है वो विलयन में जाकर इस तरह से मिलने लग जाता है, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पर शुद्ध विलायक कम हो जाएगा, जिसके कारण ये वाला जो तल है जो केश नलिका में था वो यहाँ पर कम होने लग जाएगा। इससे हमें ये पता चलने लग जाएगा कि यहाँ पर परासरण की क्रिया हो रही है। इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए यहाँ से पिस्टन से हम दाब लगाएंगे और जब हम पिस्टन से दाब लगाएंगे तो यहाँ पर एक दाब लगेगा, जिसके कारण फिर से यह तल यहाँ पर चढ़ने लग जाएगा। तो इतना दाब हमको लगाना है कि यहाँ पर परासरण की क्रिया यहाँ पर रुक जाए और जो तल पहले हमने नोट किया था केश नलिका का, उसी तल पर वहाँ पर ये पॉइंट फिर से जाकर मिल जाए। तो ऐसा दाब जो हम सेट करेंगे वो यहाँ पर दाब मापी के थ्रू हम माप लेंगे और ये जो दाब होगा वो परासरण दाब यानी कि पाई को डिनोट करेगा। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पर शुद्ध विलायक जो है वो विलयन में जाकर परासरित होने लग जाता है यानी कि परासरण होने लग जाता है। इस परासरण के कारण केश नलिका पर जो हमने यहाँ पर पॉइंट नोट करा था उससे नीचे द्रव आने लग जाता है, यहाँ से नीचे आने लग जाता है। तो यहाँ से हम पिस्टन से फिर से यहाँ पर दबाव लगाते हैं ताकि परासरण की क्रिया को रोका जा सके और जब परासरण की क्रिया रुक जाएगी, एक साम्य अवस्था स्थापित हो जाएगी, तो यहाँ पर जो केश नलिका का द्रव नीचे आ चुका था वो फिर से प्रारंभिक स्थिति पर चला जाएगा और हमें जो दाब मापी से दाब मिलेगा वो होगा परासरण दाब। अब इसमें एक बात ध्यान देने की है कि इसमें जो दाब लगाया जाता है वो फिक्स लगाना होगा कि ये हमें प्रारंभिक पॉइंट मिल जाए। अगर हम इससे अधिक दाब इस पर लगा देंगे तो विलयन में उपस्थित शुद्ध विलायक के जो कण होंगे वो अर्धपारगम्य झिल्ली से इस शुद्ध विलायक में मिलने लग जाएंगे। इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस, शुद्ध विलायक का विलयन में घुल जाना इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस, और विलयन में से शुद्ध विलायक के कण जो है वो विलायक में घुल जाना उसको हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, RO, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस की जो प्रक्रिया होती है वो समुद्री जल और कठोर जलों को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में ली जाती है। आपने देखा होगा घरों में जो प्योरीफायर लगे होते हैं, वाटर प्योरीफायर होते हैं, वो RO होते हैं, उनको RO बोला जाता है। RO का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रक्रिया उसमें होती है, यानी कि जो अशुद्ध जल होता है, अशुद्ध जल कठोर जल जो होता है उसमें कुछ अन्य लवण होते हैं, कुछ विलेय के कण होते हैं, तो उनको रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू उनको शुद्ध जल में बदला जाता है। अब हम देखते हैं कि यह विधि अन्य विधियों से उपयोगी क्यों है, क्योंकि इसमें सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि इसमें टाइम बहुत कम लगता है, इसमें बहुत ही जल्दी हमें रिजल्ट मिल जाता है और शुद्ध रिजल्ट मिलता है, यानी कि यह फास्ट होती है और शुद्ध रिजल्ट मिलते हैं, बिल्कुल प्योर रिजल्ट मिलते हैं। दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि इसमें विलयन और विलायक की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं आता है, यानी कि सांद्रता में कोई डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो दाब लगाते हैं वो हम फिक्स दाब लगा सकते हैं आसानी से और हमें पता चल जाता है कि परासरण कब रुक गया है, क्योंकि यहाँ पर केश नलिका का जो पॉइंट है वो ऊपर नीचे होने लग जाता है तो हमने प्रॉपर दाब नहीं लगाया है। अगर जिस पॉइंट पर यह फिक्स आ जाता है, प्रारंभिक पॉइंट पर यदि आ जाता है तो हमने वो फिक्स दाब लगाया है तो हमें परासरण दाब मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता। थर्ड पॉइंट ये है कि यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली पर दोनों तरफ से दबाव समान पड़ता है,
क्योंकि विलियन की तरफ से यहाँ पर प्रेशर लगता है, तो यहाँ से लगने वाला प्रेशर और परासरण के थ्रू लगने वाला प्रेशर जो है वो साम्य अवस्था में होता है, यानी साम्य दाब लगता है, जिसके कारण अर्धपारगम्य झिल्ली जो है वो फटती नहीं है। इसको हम कह सकते हैं इसमें साम्य दाब लगता है, जिसके कारण किसी प्रकार की क्षति जो है वो नहीं होती, यानी अर्धपारगम्य झिल्ली फटती नहीं है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि बर्कले हर्टले विधि से शुद्ध और तेज़ रिजल्ट प्राप्त होते हैं, सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है और इसमें साम्य दाब के कारण अर्धपारगम्य झिल्ली को कोई क्षति नहीं होती है। अगर आपको इस विधि के लिए नोट्स बनाने हैं तो मेरे वीडियो के एंड में उसके नोट्स होंगे, तो आप उससे नोट्स बना सकते हैं। आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।